एलपीजी सिलेंडर हो गया इतना सस्ता, सारी टेंशन से मिलेगा छुटकारा। एलपीजी सिलेंडर का नया रेट क्या है? एलपीजी सिलेंडर देश के तकरीबन हर घर में यूज होने वाली चीज, जाहिर है इसकी कीमत को लेकर हर कोई सचेत रहा है। इसकी कीमतों में भी पेट्रोलियम कंपनियां और सरकार बढ़ोतरी घटोतरी करती रहती है। जब एलपी सिलेंडर की कीमत बढ़ती है तो हर कोई टेंशन में आ जाता है, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार एलपीजी सिलेंडर के दाम इतने गिर गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत सुनकर आपको अपनी कानों पर विश्वास भी नहीं होगा। अगर हम कहें कि आपको अब एलपीजी सिलेंडर महज 450 रुपए में मिलेंगे तो क्या आप विश्वास करेंगे? आपका जवाब शायद नहीं में होगा, क्योंकि 1000 से ज्यादा कीमत वाली कोई भी चीज अचानक 450 रुपए में कैसे मिल सकती है। लेकिन यकीन मानिए, यह पूरी तरह से सच है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम अब 450 रुपए हो गए हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो कि आपको पालन करना होगा। इसके लिए आपको राजस्थान राज्य का निवासी होना जरूरी है। वहीं राजस्थान राज्य में चल रही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभार्थी होना भी अनिवार्य है, क्योंकि राजस्थान में भजन लाल सरकार ने गरीब परिवारों को महज 450 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, जिसका वादा बीजेपी ने चुनाव के दौरान किया था। जिस पर राजस्थान बजट को पेश करते हुए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुहर लगा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। अब ये भी जान लेते हैं कि 450 रुपए वाले सिलेंडर के हकदार होंगे कौन। 450 रुपए वाला एलपीजी सिलेंडर उनको मिलेगा जो सब्सिडी की योजना के तहत आते हैं। वहीं जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लिया है, साथ ही चुनिंदा बीपीएल परिवार के लोग भी इसके लाभकारी होंगे। साथ ही सवाल ये भी है कि इस योजना के पात्र परिवार एक साल में कितने सिलेंडर खरीद सकते हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए भी लिमिट लगाई गई है। इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवार पूरे साल में 12 सिलेंडर ही ले सकते हैं, और अगर ऐसे पात्रों के सिलेंडर की खपत ज्यादा है तो उन्हें 12 के बाद से जितने भी सिलेंडर लेने हैं उसके लिए बाजार मूल्य वाली कीमत उन्हें चुकानी होगी। गौरतलब है कि अशोक गहलोत सरकार भी गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया करती थी, जिसमें 50 रुपए की कटौती कर राजस्थान सरकार ने इसकी कीमत 450 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।